हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी डी ट्रिपल एस वी की तैयारी करेंगे, यानी कि डी ट्रिपल एस वी का लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और सभी से मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ कि आप डी ट्रिपल एस वी के जो रितु मैडम ने पेपर कराए हैं वो, और के वी एस के जो रितु मैडम ने पेपर कराए हैं यानी कि मैराथन जो कराई हुई है, उन्हें ज़रूर देख ले, क्योंकि वो टोटल 7 पेपर हैं और 7 पेपर आपके फ़ायदेमंद बहुत होंगे। और एक जो मेरे वाली वीडियो है जिसमें लाइब्रेरी एक्ट हैं, एक्ट और सेस दोनों वाली वीडियो जिसमें है, वो देख के जाएं। यानी कि ये सारी वीडियो आपके इतने फ़ायदेमंद होंगे, कहीं ना कहीं आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम में 50% यहीं से कवर हो जाएगा। और अगर कोई अपने आप को ये समझता हो कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जो उनकी मेहनत हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं। अगर आप ओल्ड पेपर जितने याद कर लोगे उतना ही अच्छा होगा, ओल्ड पेपर से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले होते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक कौन सा है? आज का टॉपिक है, मैंने प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, फिर आपका स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तभी आप स्ट्रक्चर तक जा सकते हैं। देखिए, और ये सब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट के अंडर आती है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पहले आपने भाई रूल्स पढ़ लिए, फिर बजटिंग आ गई, फाइनेंस आ गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया। मैनेजमेंट के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन आता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलोगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सबसे पहला क्या आता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ये है एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे, यानी एम्प्लॉय भी होंगे, उसका स्टाफ भी होगा, ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, मैनेजमेंट टीम होगी, सब चीज़ों के मेंबर्स होंगे। तो उसी से मिलके क्या बनना है? ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का महत्व भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट का वो भाग है जिसमें लाइब्रेरी के पूरे बिंदुओं को, जिसमें से उसके मेंबरशिप, उसके मैनेजमेंट मेंबर, स्टाफ, उसके जो फाइनेंस वाले मैनेजमेंट है, सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, वो एक समूह में रहता है, वो कहलाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जिसमें सभी व्यक्ति, सभी लाइब्रेरी के कार्यकर्ता, सभी व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, उनका एक समूह ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो संगठन को हिंदी में देखिए, संगठन जब बात आती है तो संगठन में क्या होता है? सभी तालमेल वाली बात आती है। यानी कि संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्य करने वाले और कार्य जो कर रहे हैं उन, जैसे कार्य है, कोई कार्य जैसे एक वर्क मान लीजिए एक्स वाई जेड वर्क है, ठीक है, स्कूल में मान लीजिए लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की किताब लगाने वाला व्यक्ति है और लाइब्रेरी के जो अन्य व्यक्ति, उनके बीच में जो तालमेल रहेगा तभी तो आप एक अच्छा संबंध रहेगा, तभी तो आप लाइब्रेरी को मैनेज कर पाओगे। तो वही कहता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, संगठन क्या कहता है? संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्य और कार्य करने वालों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाता है। संगठन के द्वारा ही अधिकार एवं जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे कि संगठन एक अच्छे संगठन, यानी कि संगठन को एक अच्छा संगठन बनाया जा सके। और अच्छा संगठन ही संरचना के द्वारा ही मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को हिंदी में कहेंगे प्रबंधन का कार्य करता है, यानी कि मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो चलिए लिख लेते हैं, संगठन, संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्य और कार्य करने वाले के बीच
में एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाता है। संगठन के द्वारा अधिकार और जिम्मेदारी या दी जाती है, ठीक है। और संगठन के द्वारा ही किसी भी संगठन यानी कि अच्छे संगठन के द्वारा ही अच्छे प्रबंधन का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये समझ गया आप, ठीक है। अब संगठन का कार्य क्या है, यानी कि संगठन के कार्य लेके चलते हैं। तो सबसे पहला आता है सभी में यानी कि एक साथ सभी को जोड़े रखने का कार्य करता है। दूसरा क्या आएगा, लाइब्रेरी को या लाइब्रेरी का विकास कराता है। और क्या आएगा, लाइब्रेरी को एक अच्छी संस्था बनाने का कार्य करता है आदि। तो संगठन यही करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो वो विकसित करने का काम करेगी, यानी कि वो एक से दो, दो से चार और इस तरह से कार्य करेगी। फंडिंग उसी की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आएगी, बजटिंग उसी की वजह से, रोल जितने भी रूल्स हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन से ही बनते चले जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। अब लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में आपको दोनों तरह के पढ़ने पड़ेंगे, यानी देखिए हर लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कि हम जा रहे हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में, यानी कि DS SSS की तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमिक लाइब्रेरी में जाना है। अब कोई पब्लिक लाइब्रेरी में यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी की तैयारी करें तो पब्लिक लाइब्रेरी के हिसाब से स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। सीधे सीधे हम लेके चलते हैं, अब एकेडमिक लाइब्रेरी के चलते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी का लेके चलते हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में आपको क्या करना है भाई, सबसे पहला आपका आ जाता है एक स्कूल, यानी कि ये है आपका स्कूल, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ लेना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है एकेडमिक लाइब्रेरी का। तो जब स्कूल की लाइब्रेरी की बात आएगी तो सबसे पहले ऊपर कौन रहेगा, ये हो गया स्कूल के बाद, मतलब स्कूल में होगी गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट आपके स्कूल को फंडिंग दे रही है। फिर आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उस फंडिंग को करवा रहा है। फिर प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी के बाद लाइब्रेरी स्टाफ। वैसे भी क्या नाम, DS SSS में कोई स्टाफ नहीं, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में, यहाँ तक सिमट जाएगा। अब स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है भाई, पहले आया स्कूल, स्कूल किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर, और गवर्नमेंट ही जो क्या कर रही है, उसको पैसा दे रही है, यानी कि सब चीज़ आ जाएगी, और पैसे से ही उसकी IT की चीज़ें आ जाएंगी, बुक्स आ जाएंगी, जितना भी कलेक्शन है वो आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, सब चीज़ स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक तरह से खिस्ता चला जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर में जब लाइब्रेरी स्ट्रक्चर को देख चलते हैं तो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर सब जगह का अलग अलग होता है। चाहे अगर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में आपको स्ट्रक्चर मिले अलग मिलेगा भाई, पहले आपको प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल के नीचे क्या मिलेंगे, वाइस प्रिंसिपल, हेड लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी के फिर जूनियर लाइब्रेरियन, इस तरह से बट्टे चले जाएंगे। यही तो होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा हेड में कौन है, गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। गवर्नमेंट के बाद कौन आएगा, प्रिंसिपल आएगा।
प्रिंसिपल के बाद कौन आ रहा है? वाइस प्रिंसिपल को हम लेके चले सीधे सीधे बात ही, प्रिंसिपल के बाद यहाँ लाइब्रेरियन आ गया, लाइब्रेरियन के बाद जो जूनियर लाइब्रेरियन होंगे वो सारे आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर का काम करता है और ये और है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। यानी कि लाइब्रेरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये एक संगठन, आपका घर का भी एक संगठन है जिससे आप, जिसमें आप माता पिता आप हो, उसमें सब एक पूरे संगठन के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जितने एक व्यक्ति एक फील्ड का व्यक्ति या फिर एक फील्ड के चार पांच समूह के व्यक्ति जो एक साथ मिलके कार्य करते हैं उसे संगठन कहते हैं। ठीक है, संगठन का मतलब सीधे सीधे एक लाइन में ये मान के चलते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी समझ गए। और अगर इसी को लेके चले हम पब्लिक लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में फिर ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी भाई। पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे पहला आ जाएगा, उसमें भी यही चीज़ें, गवर्नमेंट आएगी, लाइब्रेरियन आएगा, जूनियर लाइब्रेरियन आएगा, उसके मेंबर्स आएंगे, सब चीज़ें आएंगी, बस उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी में और पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे बड़ा यही रीज़न होता है। चलिए एकेडमिक लाइब्रेरी में पढ़े तो एकेडमिक लाइब्रेरी हमने बता दी। चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी, सर्कुलेशन मेंटेनेंस, सिविलिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग प्रोविजन। अच्छा ये आपका, ये भी आज मैं कराता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।